नगर निगम उदयपुर से के माध्यम से यह एक्वेरियम बनाया गया है। इसका हम इसके अंदर एंटर होते हुए इसकी टिकट खिड़की जो है 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहती है और इंडियन एडल्ट के लिए ये इसकी दर ले लो। यह आप देख रहे हैं इसका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार में जो है नीचे होकर के फतेह सागर की पाल है ये, और पाल के नीचे ही पास में जो फतेह सागर घूमने आते हैं वो सभी इनके ग्राहक होते हैं। इनका प्रवेश द्वार है जिसे शिव सागर में भगवान विराजे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये कछुआ जिसे हम समुद्र के अंदर ही जा रहे हैं। क्या चीज ये देखिए, ये स्टार फिश बनी हुई है, सारी कृत्रिम है कि हम जिसे समुद्र के बीच में तैरने जा रहे हैं ये इसी तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ पे हमें मतलब ये एहसास हो कि हम समंदर के मध्य आ गए हैं। ये इतने सब लोग हैं जो एक्वेरियम देखने आए हैं वो सभी समंदर में तैरते हुए जी रहे हैं, इस तरह का एहसास देने के लिए ये 3D इफेक्ट वाला ये बनाया गया है। इसमें अलग अलग पौंड भी बनाए गए हैं, अलग अलग वनस्पतियाँ बनाई गई हैं और अलग अलग जीवित डक्स वगैरह जो है रखी गई है यहाँ पे, ताकि आने वाले को यह लगे। हाँ जी, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की फिशें हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये वाली मछली, बहुत ही सुंदर है एक्वेरियम। हम सब आप देखिए, ये मछली है, अकेली मछली, कितनी बड़ी है और क्या, किस तरह से पानी में घूम रही है अकेले अकेले। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर, ये मछलियाँ जो है, ये मछलियाँ है, ये इस मछली का नाम हरी जोसफर है और ये दूसरी मछली है, इसको गोल्डन फिश कहते हैं, गोल्डन फिश यानी सुनहरी मछली। यह अक्सर घरों के एक्वेरियम में भी पाई जाती है। और इसमें ये सिल्वर फिश देखिए, वो आ रही है। और देखिए ये ऑरेंज फिश, गोल्डन फिश, ऑरेंज कलर की गोल्डन फिश, ये अलग अलग ये वनस्पतियाँ जो है इनके खाने के लिए आर्टिफिशियल ट्री है, देखने के लिए, सुंदरता के लिए, और पीछे दीवारें बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये शार्क फिश है, शार्क फिश। जी हाँ, आपने जो शार्क देखी है पानी में, बड़ी बड़ी शार्क, उसी जीव, उसी वर्ग की है, इसको शार्क फिश कहते हैं। और बच्चों, ये शार्क फिश को काटती है ना तो बहुत तेज काटती है, इसलिए जो है इनकी तुलना, मतलब जैसे ये बड़ी होती है, जो देख रहे हैं यह शार्क फिश है, बहुत सारी मात्राओं में है। तो जस्ट उसके नीचे ही हमें बताया जाता है कि इस शार्क फिश के बारे में। फिर ये है ब्लैक घोस्ट कैनेफिश, यह जेब्रा की तरह है। देखिए आपको ये नज़र आएगी कि जेब्रा की तरह मछली है, जेब्रा जैसे चलता है, मतलब रंग हाथ धारियों वाला होता है, उसी प्रकार ये भी धारियों वाला ही मछली है।
संभवतः जब वो डार्विन की जीव का सिद्धांत आता है तो संभवतः इन्हीं इसी प्रकार की मछलियों से डार्विनवाद का विकास डार्विनवाद की जेब्रा का विकास हुआ हो। इसको जाइंट फिश भी कहते हैं। यह मछली जो है समुद्री जीव को खाती है और हर जैसे बड़ी मछली छोटी जीव को खाती है उसी प्रकार ये छोटी मछलियों को खा जाती है और तत्काल ही निकल जाती है ये मछली, इसीलिए इनको जाइंट फिश कहा जाता है। देखेंगे कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे प्लास्टिक के बाजार में तरह तरह के मिलते हैं जो एक्वेरियम में लगाए जाते हैं और उसको सुंदरता का इफेक्ट देते हैं, उसको प्रकृति का प्रभाव देते हैं और वो हमारी आँखों को स्मूथ लगता है और हमारे घर में वास्तु दोष को दूर करता है, इसीलिए घरों में एक्वेरियम रखने की परंपरा चल रही है आप देखेंगे। और हर एक्वेरियम की अलग अलग तासीर है। अब यह है हम आए हैं फायर ओस्कर, ओस्कर फिश है जो फायर की तरह लाल है, मतलब गोल्डन ओस्कर जो है इसको कहते हैं। तो ये देखिए आप इसमें हुई है आपको नज़र आएगी गोल्डन ओस्कर की वर्कशॉप में छुपी है। ये देखिए ये थक जाती है दिन भर तो संभवतः ये बैठ जाती है। यह है सिल्वर डॉलर, यानी कि डॉलर के समान डॉलर के आकार में इसके शरीर पर चिकत्ते पड़े हैं और ये डॉलर मतलब संभवतः इसीलिए इसका नाम डॉलर फिश रखा है। डॉलर फिश देखिए आप यह मछली की पंख दर पंख तैरती जा रही है, रंग बिरंगी लाल पीली हरी जैसे इंद्रधनुष चलता हो, इंद्रधनुष अपने आप में रेनबो फिश जो है आप कह सकते हैं रंगी। यहाँ पर आप कांच के अंदर जा कर के ये दरवाज़ा बना हुआ है, इस दरवाजे से अंदर जा कर के और मछलियों की दुनिया में देख सकते हैं। यह एक विशेष लगे हुए हैं और कंप्यूटराइज एक तरह से मछलियों को देखने का तरीका है। समंदर में जैसे आप जा रहे हैं और आपके सामने मछलियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल फिश, क्रोकोडाइल के आकार की है ये मछलियाँ, क्रोकोडाइल के समान दिखाई दे रही हैं। और शार्क के आप दांत देखिए, ये पीछे चित्र बनाया हुआ है दांत का, इसके दांत दो लेयर में है देखिए, कांच में एक की दो दो मतलब एक मछली के ऊपर जो है एक और दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो मिरर का रिफ्लेक्शन है और इस मिरर के रिफ्लेक्शन से भी मछलियाँ ज़्यादा अधिक दिखाई देती है, कम मछली हो तो अधिक मछलियाँ दिखाई देती हैं। यह आप देख रहे हैं मछलियाँ पानी में हैं और जो दर्शक है वो अपना हाथ डाल करके और उसमें देख रहे हैं कि मछलियाँ के उनको टच करती है तो कैसा लगता है, इस चीज़ को जो है मतलब कि मछली के मछलियाँ छोटी छोटी मछलियाँ इनके पाँव की डेड स्किन को काट पाँव में काटती है और इसमें जिनके पाँव में कोई चोट नहीं लगी है उन्हीं को इसमें बिठाया जाता है, अगर चोट लगी हो तो उसको नहीं बिठाया जाता है। और मछलियाँ अपने जो है आपकी चमड़ियों को काटती हैं, ऊपर से डेड स्किन हटा देती हैं और उनको भोजन मिल जाता है। और ये सारी शार्क फिश है, ये फिश जो है ना मछली में छोटी शार्क है, ये काली फिश जो है ये सारी शार्क फिश है। और ये शार्क फिश जो है आप देख रहे हैं कि ये मछली मतलब बहुत भूखी रहती हैं, ज़्यादा भूखी रहती है, ये डेड स्किन खाने लगती है। फिश मसाज क्या होता है आप यहाँ पे है ना, हाँ कि अच्छा
रिडक्शन ऑफ कोलेप्सिस स्मूथ स्किन ऑफ द फिट एंड एक्सप्लोशन ऑफ ड्राई स्किन एंड रफ पिचेस। फिश मसाज के चार फंक्शन इन्होंने लिखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। पाँव के लिए प्लास्टिक सलून जैसे हम घर में एड़ी लगाते हैं, पत्थर से रगड़ते हैं, उसी अनुभव को ये आप देख रहे हैं। फिश मछलियाँ पाव को अंडर द सन रेस्टोरेंट, यहाँ पर चाय कॉफ़ी नमकीन वगैरह है। और इसमें सिर के ऊपर भी आप जो खाते हैं उनमें मछलियाँ रखी जा सकती है, पानी भरा हुआ है, ये छत पे होगा। और उसी प्रकार से टेबल को मछलियों वाला बनाया गया है। टेबल के नीचे टेबल टॉप ग्लास का है और इसके अंदर है मछलियाँ तैर रही हैं। एक्वेरियम टाइप टेबल है, यह घर में एक नवीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप घर में ड्रेसिंग टेबल मतलब ड्राइंग टेबल में एक्वेरियम की जगह नहीं है तो एक छोटा सा टेबल टाइप जो है एक्वेरियम बन के उसके का पानी साफ नज़र आ रहा है कि छत पे एक्वेरियम है। हाँ, मतलब जैसे हम समंदर में बैठे हैं इस अनुभव को देने का एक प्रयास किया गया है कि छत पे भी पानी चल रहा है और आप जो है पानी के अंदर बैठे हैं। ये मतलब आप इसको मछलियों को कैसे मेंटेन करते हैं आप बता पाएंगे ये कि किस तरह से ये फिशरीज डिपार्टमेंट? नहीं, यहाँ पे मछलियाँ जो है आपकी जो देखते हैं इनका मेंटेन फिशरीज डिपार्टमेंट। अच्छा, फिशरीज डिपार्टमेंट ही करता है पानी का TDS जांच करके। और इस प्रकार इनके मछलियों का पानी भी वही देखते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट वाले और भोजन भी वही देखते हैं। आप देख सकते हैं 2 मंजिला रेस्टोरेंट है, एक ऊपर का फ्लोर है, अगला नीचे का फ्लोर है, यह नीचे का फ्लोर है। मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर पर बैठे व्यक्ति हैं उनकी भी तस्वीरें मतलब उनके भी बैठने का ढंग नज़र आ रहा है यहाँ से। इसका मतलब यह है कि यहाँ से हमें मछलियाँ भी नज़र आती हैं, छत पे भी चलती हैं और फर्स्ट फ्लोर पर जो जाने की सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों की मार्केट ऊपर जाके और आप ऊपर का भी लुफ्त ले सकते। सहेलियों की बाड़ी नज़र आ रही है, यह मतलब इधर सहेलियों की बाड़ी है और सहेलियों की बाड़ी के नीचे ऊपर के लेवल पे ये फतेह सागर की पाल से नीचे फिश एक्वेरियम स्थित है। मछली सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मछली है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है समुंदर में, ये उसका मॉडल है। और ये एरपीमा जिगास है, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। यह कितने वजन की होती है? 2 मीटर लंबी तक होती है, यह 2 मीटर लंबी तक होती है और 200 किलो के करीब इसका वजन हो सकता है। और इसका जो है 2.5 मीटर से 8 फीट, मतलब जो है 8 फीट 2.5 मीटर लंबी हो सकती है, अर्थात 8 फीट 6 इंच 8.5 फीट के करीब इसकी लंबाई होती है। गाड़ी की और इसमें आपको पैर रख के बैठना आता है, फिर आपके पैरों की डेड स्किन को रिमूव करेगी, पैरों की मसाज करेगी, आप भी कर सकते हैं नेचुरल थेरेपी। हाँ, ये देखिए फिश के फिश से पेडी की और मेडी और पैरों का मसाज है, बॉडी मसाज और
स्केच एक्वेरियम का काम। एक्वेरियम यह सिर्फ 1 फीट दीवार की चौड़ाई में लगा हुआ है, मतलब लकड़ी से आप दीवार में बना सकते हैं। और यह है, आप देख रहे हैं इसमें पानी का पंप है, मतलब पानी अंदर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है हवा में होते हुए, और हवा इसमें होते हुए नीचे आ रही है, मतलब मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इसी प्रकार रोशनी है यहाँ पे, 24 घंटे रोशनी रहती है, मछलियों को ठंडक बर्दाश्त नहीं होती है और इसलिए सर्दी में रोशनी ज़रूरी है, और यहाँ पर ठंडक है इसलिए इसको एक्वेरियम में। इसको अपन घर पे भी बना सकते हैं, नीचे पत्थर रख के फिर पौधे लगा के। हाँ, ये कृत्रिम पौधे हैं प्लास्टिक के, इसमें प्रकृति, और इनको खाने के लिए विशेष दाना दिया जाता है, वो भी बहुत निर्धारित मात्रा में। अगर अधिक खाना दिया जाएगा तो भी ये मर जाती हैं, और कम नहीं खाना दिया जाए तो ये आपस में एक दूसरे को काटने लग जाती है। देखें, आप अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ बच्चों के लिए, ये भी हैं, फिर ये भी आप देख सकते हैं, ये छोटी सी मछली है इसके अंदर के लिए, और ये भी देख सकते हैं आप मछली, छोटी सी मछली है अकेले अंदर। बच्चे इसको देखें, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, फिश से रिलेटेड चीज़ है। और घर का वास्तु दोष भी डिजाइन करती है मछली, और साथ ही साथ यह हमारे मन को भी लगाए रखती है। आप इसको घर पे इजीली बना सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे मछलियाँ हैं अंदर, इतना सुंदर लगता है दृश्य। पर जहाँ एक ही जाति की प्रजाति की मछलियाँ रखी जाती है, 2-3 मिक्स नहीं कर जाती, जबकि जब हम बाज़ार में एक्वेरियम मछलियाँ लेने जाते तो वो 2 तरह की मिक्स कर देता है। इसलिए हमें ये देखना है कि हम एक ही प्रजाति की मछलियाँ रखें तो वो आपस में एक दूसरे को समझती है व्यवहार को, नहीं तो कुछ मतलब सुस्त होती है, कुछ ज़्यादा एक्टिव होती है, तो ज़्यादा एक्टिव दूसरे को काट खाती है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मस्त ब्यूटीफुल मछलियाँ अलग अलग। यहाँ पे आप देख रहे हैं सफ़ेद, मतलब गोल्डन फिश और सिल्वर फिश, ये मछली मतलब ये जो है ना बहुत आक्रामक नहीं होती हैं, और इनके पंख इस तरह से होते हैं कि अगर इनके साथ शाख रखी जाए तो वो इनके पंखों को नोच नोच के खा जाती है। इसलिए हमें देखना ये है कि एक ही प्रजाति की मछलियाँ बाज़ार वाले अपने फ़ायदे के लिए देते हैं, जाने क्यों देते हैं, परंतु मैंने जितनी भी बार एक्वेरियम में रखी है बाज़ार वालों ने 2-3 वैरायटी की मछलियाँ दी थी कि एक जोड़ा इसका और एक जोड़ा इसका और एक जोड़ा इसका, और उससे मुझे नुकसान, बच्चे मछलियाँ मर जाती है तो हमको दुख होता है। ये देख सकते हैं बच्चे, यह एलिगेटर फिश है, एलिगेटर कहते हैं उसको, मगरमच्छ को हिंदी में उसको मगरमच्छ कहा जाता है, और ये मगरमच्छ की शायद पहले की फिश है, एलिगेटर फिश। इसके आप देखें दांत, वो पीछे चित्र में देख रहे हैं कि इसके दांत दिखा रहे हैं, दांत के जो है ना इस तरह से दांत दिख रहे हैं, डबल दांत है। मगरमच्छ जिसे काटता है, पकड़ लेता है, तो उसकी पकड़ से तो कोई छूटता नहीं है जानवर, तो इसी प्रकार इसकी पकड़ से भी छूट नहीं पाते हैं एलिगेटर। बड़ी भी काफ़ी होती है, इनों का जो शिकार मछलियों को निकल जाती है, जैसे हम कहते हैं हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, या हर छोटी मछली की नहीं भी होती है कि वो बड़ी मछली के द्वारा खाई जाती है। अंडर द वाटर का अनुभव देने के लिए इस प्रकार मछलियों के चारों ओर ये दरवाजे बनाए हुए हैं, इस दरवाजों से ये चले जाएंगे अंदर भैया, और अंदर जा कर के आप मछलियों को टैंक को अंदर, कांच का है इसमें हवा है, ऑक्सीजन है, और इस प्रकार ये मछलियों को उधर उधर ले जाओ। यहाँ पे पूरी अलग अलग मछलियाँ हैं, चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की, ये आप देख सकते हैं। देखिए आप मछलियाँ हैं, ये देखिए मछलियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ अंदर, ये देखिए। इस प्रकार आपने देखा कि ये भैया जो है इस पानी के अंदर जा करके, और ये इस पानी के अंदर से मछलियों का वीडियो बनाया है। धन्यवाद। कितनी बार आए? ये पांचवी बार है। अच्छा, ये
ये हाँ, ये भैया पांचवी बार एक्वेरियम देखने आए हैं। हाँ। आप कहाँ से, किस गांव से रहते हैं? गोगुंदा से, प्रॉपर टोपर गोगुंदा के हैं। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई की? मेरे फाइनल ईयर चल रही है। ये फाइनल ईयर पे चल रहा है। और यहाँ पे उदयपुर में रहते हैं या गाँव में? नहीं, गाँव में ही रहते हैं। अच्छा, उदयपुर हमारा आना जाना हमेशा के लिए होता है। तो जो भी परिवार के सब सदस्यों को दिखाया होगा फिर तो आपने? बिल्कुल। अच्छा, सब सदस्यों को एक्वेरियम दिखाया है इन्होंने। और आपका शुभ नाम? सुंदरलाल ग्रासिया। सुंदरलाल जी ग्रासिया, देखिए मछलियों का प्रेम इसको कहते हैं कि जो है अपने परिवार, पूरे परिवार को दिखाया और खुद भी देखने आए हैं। आप टीचर हैं? टीचर हैं। अच्छा, आप शिक्षक हैं? पिताजी इनके, पिताजी सुंदरलाल जी भाई के, क्या कहाँ पढ़ाते हैं आप? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूतवाड़ी। और आप कितने साल से, कितनी बार देखे आए हैं? आप पहली बार आए हैं? मतलब ये भाई बेटा, बेटा इनको पिताजी को लेकर के आया है कि पिताजी देखो ये देखने की चीज हुई आप? यह आप देख रहे हैं रंगोली के आकार की रंगोली, इसकी शरीर पर, मछली के शरीर पर रंगोली की आकार की बनी हुई है धारियाँ, अलग ही तरीके से जैसे है, जैसे इस चीज़ को देख करके आपको अलग लगेगा कि ये लाइंस जो है इसके शरीर की अलग रचना बताती है। अलग अलग प्रकार के व्यूज बनाए जाते हैं और उससे आप मनपसंद आकार से दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये डूबा हुआ केस्टल है जो समंदर में डूब गया है, कहीं डूबा हुआ वो जहाज है, डूबा हुआ जहाज देख रहे हैं आप, इसका सीन बना करके मछलियाँ डालती हैं इस प्रकार से जहाज की